अमेरिका ने अंतरिक्ष में एक रहस्यमय स्पेस प्लेन भेजा है और यह प्लेन स्पेस में क्या करेगा और कितने दिनों तक रहेगा इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। इस स्पेसक्राफ्ट को रविवार को फ्लोरिडा के केप कैनावरल से छोड़ा गया और थोड़ी ही देर बाद यह अंतरिक्ष में पहुंच गया। ये एक सोलर पावर से चलने वाला स्पेसक्राफ्ट है जिसके अंदर कोई क्रू मेंबर नहीं है और इसे धरती से ही रिमोट के जरिए कंट्रोल किया जाता है। अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर इस प्लेन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है और इससे पहले भी अमेरिका ने इसी तरह का एक मिशन प्लेन लॉन्च किया था जो 2 साल तक अंतरिक्ष में रहा और केनेडी स्पेस सेंटर पर वापस लौट आया। ये प्लेन अब तक 6 बार अंतरिक्ष में जा चुका है और 7 साल से भी ज्यादा का वक्त बिता चुका है। अमेरिका अंतरिक्ष में अपनी स्पेस फोर्स बना रहा है और माना जा रहा है कि ये स्पेस क्राफ्ट उसी मकसद को पूरा करने के लिए छोड़ा गया है।